हे स्टूडेंट, वेलकम अस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1G का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 17th नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है इस पूरे चैप्टर का, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना क्वेश्चन नंबर 18 का, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ हमें बड़ा सा इक्वेशन दिया गया है, हमको प्रूव करना है कि एम माइनस एन इक्वल टू वन होगा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना, तभी जाकर के हमको पता चलेगा कि एम माइनस एन इक्वल टू वन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो हमारी गलती है, क्योंकि पर साफ से बोला है कि m माइनस एन इक्वल टू वन, आपको ये प्रूव करना है। तो आपको लाना ही पड़ेगा m माइनस वन इक्वल टू वन। तो इसको कैसे फाइंड करना है, कैसे लेकर के आना है यहां पर से m माइनस वन, वो आपको मैं कॉपी में समझा देता हूं। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी दिया गया है और एक हमें राइट हैंड साइड में भी नंबर की वैल्यू दी गई है 1/27। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है कि हमारा यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 27 भी है जो 3 का मल्टीपल ही है, 9 भी 3 का मल्टीपल भी है, यानी यहाँ पर भी 27, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो हम कोशिश करते हैं कि सभी जो नंबर्स हैं ना, उनको 3 में कन्वर्ट करने का। जैसे 9 को हम लोग 3 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, 9 को हम लोग 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं, और पावर में एन है तो 2 का एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n हो जाएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लाई में 3 के पावर में जो 2 है उसको उतार दो, फिर मल्टीप्लाई में यहां पर हमारे पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि एक पावर है और दूसरा भी पावर है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में कट हो जाएगा, ये 2 से ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस एन का जब मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा, यहां पर 1 छूट गया, मतलब कट होने के बाद क्या बचता है, 1 बचता है। तो माइनस और माइनस हमारा प्लस एन हो जाएगा, तो 3 के पावर में आप यहां पर एन लिख दो। क्लियर है, इतना समझ में आया। मल्टीप्लाई की साइन, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 के पावर में 3 होता है 27, 3 मल्टीप्लाई 3 9, और 9 मल्टीप्लाई 3 27। तो यहां पर हमारा सॉरी मल्टीप्लाई का साइन नहीं था, माइनस का साइन था, तो माइनस का साइन उतार करके 3 के पावर में आप यहां पर 3 लिख दो, और उसके बाद यहां पर n से उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3n हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 3n बन गया। सभी अब क्या हो गया, 3 में कन्वर्ट हो गया ना। तो जब 3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा कट पीट होकर के काम आसान हो जाएगा। लास्ट में हमको मेन इसको छोटा ही करना है, m माइनस 1 लाना है, इसका मतलब क्या है कि इसको छोटा करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में हमारा 3 के पावर में 3m मल्टीप्लाई में 2 के पावर में 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 के पावर में 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हमारा 8 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख लेंगे, इक्वल की उस साइड में इसको भी हम लोग 3 के पावर में 3 बना देंगे, क्योंकि सभी हमारा जब 3 बन गया तो इसको भी आप क्या करो, 27 को 3 के पावर में 3 बना लो। अब इसके बाद हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखो ये भी 3 बन गया, ये भी 3 बन गया, ये भी 3 बन गया, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई में है। तो जब कभी भी एक्स 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 या मल्टीप्लाई में होता है और पावर्स क्या होते हैं आपस में अलग अलग होते हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं, पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। तो अगले स्टेप में हम वही करेंगे, यहाँ पर एक बार 3 लिख लेंगे, पावर में जो 2n है, प्लस में ये वाला 2 और प्लस में ये वाला n हो जाएगा, माइनस में 3 के पावर में ये हमारा 3n हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय में हमारे पास कितना है, तो डिवाइड बाय में हमारे पास ये 3 के पावर में n है, सॉरी 3n है, तो इसको अभी रहने दो, 3 के पावर में 3n माइनस मल्टीप्लाई में 8 आप इसको उतार दो। तो यहाँ पर हम और इक्वल के उस साइड में 1/3 के पावर में 3 भी उतार दो। एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 के पावर में 2n और 1 कितना हो गया, 3n हो गया, प्लस में 2 है, तो इसको हम लोग माइनस में 3 के पावर में ये हो गया हमारा 3n, ठीक है। डिवाइड बाई में हमारे पास कितना आ गया, 3 के पावर में 3n आ गया, मल्टीप्लाई में 8, इक्वल के उस साइड में 1/3 के पावर में हमारा 3 रह जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर आप ये देखना है कि अब हम इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले तो ये जो हमारा 3 के पावर में 2 है ना, यहाँ पर आपके पास 3 है, देखो किस तरीके से इसको आपको करना है। यहाँ पर ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। 3 के पावर में 3n है ना, और ये जो प्लस में 2 था इसको आप फिर से क्या करो, मल्टीप्लाई में 3 के पावर में 2 कर दो। जैसे ये पहले था ना, उसी तरीके से हमने कर दिया। जैसे यहाँ पर हमारा 3 के पावर में 2 था, उसी 2 को हमने पहले इसका क्या किया, फॉर्मूला के टर्म पर लिख करके प्लस में किया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसी को दोबारा से वापस कर दे रहे हैं। यहाँ पर वापस करने का वजह क्या है वो समझो। यहाँ पर हमारे पास माइनस में 3 के पावर में 3n है, ठीक है। डिवाइड बाई में 3n था कि 2n था हमारा लास्ट में भाई, अच्छा 3n ही था, ठीक है। डिवाइड बाई में हमारा 3 के पावर में 3n मल्टीप्लाई में 8 इक्वल टू 1 के बाई में 3 के पावर में 3। यहाँ पर हो क्या रहा है कि देखो, इधर भी 3n मिल गया हमको ना, जब हमने सॉल्व किया तो देखा यहाँ भी 3n है, यहाँ भी 3n है। तो उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से 3n हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से वो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। कॉमन कैसे लेना है वो समझो, 3n को यहाँ पर अगर आप बाहर निकालोगे 3 के पावर में 3n को, तो ब्रैकेट में यहाँ पर से क्या बच जाएगा, ये 3 के पावर में 2 बच जाएगा। तो 3 के पावर में 2 लिखो और यहाँ माइनस की साइन लगा करके इसकी जगह में 1 लिख दो। यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक टर्म है 3 मल्टीप्लाई ये वाला, और एक ये टर्म है, तो इन दोनों में से हमने क्या किया, 3 के पावर में n को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो केवल 3 के पावर में 2 बच जाएगा, और यहाँ पर से हमने पूरा उठा करके ले गया तो बचा क्या, वहाँ पर 1 बच गया, क्योंकि जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, इसी को कॉमन लेना कहते हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 के पावर में 3n है, मल्टीप्लाई में 8 है। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, सॉरी 8 के पावर में n, आदत हो जा रहा है n n लिखने का, तो मल्टीप्लाई में 8 लिख दो।
और इक्वल के जो भी साइड में हमारे पास है उसको भी उतार लो, यानी कि 1/3 के पावर में 3। और दूसरा चीज़ यहाँ पर एक मिस्टेक दिख रहा है मुझे कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ हमारा जो क्वेश्चन था 3 के पावर में 3m था नीचे में, मैंने इसको n लिखा है बार बार, तो इसको m बना लो। यही होता है जब n और m सेम सेम नंबर बार बार आ जाते हैं ना, तो उसमें हर बार मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ n और m कहाँ पर है उसी में भूल जाता हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा इसको कम से कम दिख तो गया। तो अब इससे हो क्या रहा है हमारा, ये बन जा रहा है 3 के पावर में 3n, ठीक है, डिवाइड बाय में, और यहाँ पर हमारा ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस में 1 आ गया, और डिवाइड बाय में हमारे पास 3 के पावर में 3m है और मल्टीप्लाई में 8 है, तो और इक्वल की उस साइड में 1/3 के पावर में 3 है। तो यहाँ से हमारा ये कितना बन जाएगा, 9 में से 1 माइनस हो तो 8 आ जाएगा। तो 3 के पावर में 3n ब्रैकेट में 8 लिख लो, या फिर मल्टीप्लाई में 8 कर लो, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। डिवाइड बाय में 3 के पावर में 3m है, फिर से मैं उसको n लिख दिया हूँ, तो 3m मल्टीप्लाई में 8 हो गया। तो 8 और 8 यहाँ से हमारा कैंसिल हो गया, इक्वल के उस साइड में क्या बच गया, 1/3 के पावर में हमारे पास 3 बच गया। तो अब क्या करते हैं हम कि ये जो हमारा नीचे 3 है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं। अगला स्टेप देखो, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और ये डिवाइड में है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 3 के पावर में 2n माइनस में 3m, यही हो जाएगा, सॉरी 2m कहाँ है इसलिए लिख रहा हूँ भाई, मेरे ध्यान कहाँ है आज। और ये हो जाएगा 3m, यानी कि 3 के पावर में 3m उसमें से माइनस कर देंगे हम ये वाले 3n में से 3m को। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3n माइनस 3m, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास जो 1/3 था ना, तो हम 1 को नीचे ले जाते हैं, 3 को ऊपर ले जाते हैं, उससे होगा क्या, जो हमारा ये पावर है वो माइनस में चला जाएगा, यानी कि 3 के पावर में ये -3 हो जाएगा। जब कभी ऐसे आता है तो इसको हम लोग 1/ करके लिखते हैं प्लस बनाने के लिए, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं अगर हमको माइनस या प्लस बनाना है तो। अब ऐसा हमने बनाया है क्यों, तो देखो यहाँ भी हमारा 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, तो ये दोनों 3 आपस में क्या हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगे। दिखा आपको, सॉरी नहीं दिखा, सारे वीडियो में फिर समझा देता हूँ। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो बचा क्या हमारा, 3n माइनस में 3m इक्वल टू -3 बच गया। तो यहाँ पर से भी हमारा क्या हो रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है इन दोनों में 3, तो यहाँ पर से आप 3 को कॉमन ले लो, बच क्या जाएगा, n माइनस m बच जाएगा, इक्वल के उस साइड में -3 है। तो इस 3 को अभी इधर हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो n माइनस m इक्वल टू -3, और ये 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 हो गया, तो बचा कि हमारे पास -1 बचा, यानी कि n माइनस m इक्वल टू -1 हो गया। हमको लेकिन लाना क्या था, m माइनस n लाना था। तो जब हम यहाँ पर से क्या करेंगे, m माइनस n इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, साइन को कॉमन लिया जाता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर आपको 15 का सेकेंड वाले में समझाया था ना साइन को कॉमन लेना, वैसे यहाँ पर समझो आप, यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन को कॉमन करके इसको n को माइनस में कर देंगे और m को प्लस में कर देंगे, और बाहर में एक साइन लगा देंगे माइनस का। इससे होगा क्या कि माइनस और माइनस प्लस n हो गया, और माइनस प्लस माइनस m हो गया, यानी इसी टर्म को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया है। इक्वल के उस साइड में हमारे पास -1 है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर m को पहले लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस वाला m माइनस वाला n, तो m माइनस n हो गया, इक्वल के उस साइड में -1 है, माइनस से माइनस करो तो आप कैंसिल, तो m माइनस n इक्वल टू हो गया हमारा प्लस वाला 1। तो ये होता है इसका एक्चुअल में आंसर। बाकी आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो कि n माइनस m इक्वल टू हमारा अगर -1 आ रहा है तो m माइनस n इक्वल टू प्लस 1, ऐसे भी कर सकते हो आप आगे पीछे लिख करके। बाकी अगर साइन कॉमन करके आप निकाल करके दिखा दोगे तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझ करके सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसे भी मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये मैंने डिटेल में इसीलिए बनाया है ताकि आपको एक भी स्टेप में डाउट ना हो। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट कर देता ना, कहीं पर कोई स्टेप को अगर मिस करते या फिर मिस बोल रहा हूँ स्किप कर देता, तब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने एकदम एक एक स्टेप डिटेल बनाया, इसलिए इतना ये बड़ा बन गया। जब आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो उसके बाद इसमें कुछ भी स्टेप्स क्या हो सकते हो, स्किप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 के स्क्वायर को आप दोबारा यहाँ पर 9 माइनस 1 करके 8 कर सकते हो डायरेक्ट अगले स्टेप में, आपका एक स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा, तो टाइम बचता है उससे। ठीक, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।